हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं बेसिकली आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स। अगर आपको दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन गिवन है जिनका डिफरेंट पीएच है, मगर वो इक्वल वॉल्यूम्स में अगर आपको गिवन है, तो किस टाइप से उस टाइप के न्यूमेरिकल का पीएच कैलकुलेट करते हैं, वो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूं जिससे कि विद इन सेकेंड आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बड़ी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूं और डिटेल में कैसे सब्जेक्टिव करते हैं वो भी समझाता हूं। ट्रिक फिफ्थ है, इससे पहले मैं चार वीडियो आपको पीएच की दे चुका हूं, और जिन्होंने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्टकट ही बता देता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे शॉर्टकट ज्यादा लाइक करते हैं। तो शॉर्टकट बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, करना क्या है कि जो भी आपको पीएच दे रखे हैं, इफ डिफरेंस बिटवीन पीएच, अगर पीएच का डिफरेंस जो है वो वन है, पीएच का डिफरेंस अगर आपका वन है स्टूडेंट, और अगर आपको दो पीएच वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज पीएच वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 0.24 को। बिल्कुल शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं, अभी आप देखेंगे मैं विद इन सेकंड क्वेश्चन सोल्व करूंगा। और अगर थ्री सॉल्यूशंस हैं पीएच के मेरे पास अलग अलग, अगर दो सॉल्यूशन हैं दो, तब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0.24। और अगर आपको थ्री सॉल्यूशन दे रखे हैं मगर उनका डिफरेंस पीएच का कितना होना चाहिए, याद रखना वन। ये टेक्निक शॉर्टकट केवल वन के लिए है, अगर एक से ज्यादा डिफरेंस है जैसे दो चार छह, तो उसके लिए सब्जेक्टिव मेथड ही हम अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। थ्री अगर सोल्यूशन है तो एवरेज में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.56। अब आप इसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए कि आप कहते विद इन सेकंड सोल्व कर दें कैसे, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर मेरे को दो पीएच की वैल्यू गिवन है और उनका डिफरेंस वन है और इक्वल वॉल्यूम्स दे रखा है, तो हमने उसमें से 0.24 को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर मेरे पास थ्री पीएच वैल्यूज गिवन है और उनका इक्वल वॉल्यूम है, तब मुझे 0.56 सब्ट्रैक्ट करना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। टू सोल्यूशन हैविंग पीएच 1.5 2.5, कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, वन का। इक्वल वॉल्यूम्स दे रखे हैं, क्या करूंगा एवरेज निकालूंगा। तो मुझे पहले तो पीएच की एच पॉजिटिव एंड की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, पीएच, यहां तो हम डायरेक्ट पीएच ही निकालेंगे, सॉरी शॉर्टकट है। तो पीएच क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5 अपॉन 2, एवरेज निकाल रहे हैं दोनों की, एवरेज निकाल दिया क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2 2 2, में से आप सब्ट्रैक्ट कर दिए 0.24, आपका आंसर आएगा 0.76। देख लीजिए घड़ी, आपने बहुत ही कम सेकंड में फटाफट ये कैलकुलेशन कर ली। अगला खुद करिए फटाफट और मेरे साथ स्पीड रखिए। तो क्या है 1.5 2.5 प्लस 3.5 अपॉन 3, थ्री क्यों क्यों किया, क्योंकि आप एवरेज निकालना ना 3, तो हमारे पास 7.5 अपॉन 3 क्या आ गया 3.5, माइनस क्या करने को कहा था मैंने 0.56, और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट करके देखिए क्या आ जाएगा 1.94। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.94। तो इस तरह किसी भी कैलकुलेशन को जिनमें डिफरेंस वन है बड़े आराम से कर सकते हैं। 8 और 9 दे रखा है, ठीक है जी, 8 प्लस 9 17 अपॉन 2 8.5, माइनस दो वैल्यू है 0.24, तो क्या आ गया 8.62 8.26 आपकी पीएच वैल्यू है। इसी तरह आप इसमें करके देख लीजिए। अब आपने सर ये तो हो गया शॉर्टकट, अब मान लो मुझे सब्जेक्टिव पेपर कर रहा हूं, क्लासरूम स्टडी है, ये तो कंपटीशन में इंप्लीमेंट हम करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अब पेपर में लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर है, तब कैसे करते हैं, तो वो चीज सीख लीजिए तब आप कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट मान लो मेरे पास, मैं अगला न्यूमेरिकल लेता हूं, अब दो अलग अलग सॉल्यूशन आ गया, पीएच 2 है पीएच 4 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, दो का डिफरेंस है, यहां पे वो टेक्निक काम नहीं करेगी, वो वाली शॉर्टकट टेक्निक तब है जब पीएच का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा। अब 2 है तो कैसे करें, वही जो हम सब्जेक्टिव क्लासेस में करते हैं वैसे बात करते हैं। तो पीएच अगर आपको स्टूडेंट 2 दे रखा है और एक पीएच आपको दे रखा है 4, अब मैं क्या करूंगा
यहां से एच पॉजिटिव एन कंसेंट्रेशन निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 10^-2 मोलर, और यहां से एच पॉजिटिव एन कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी 10^-4 मोलर। अब इक्वल वॉल्यूम दे रखे हैं तो टोटल एच पॉजिटिव एन कंसेंट्रेशन क्या होगी 10^-2 10^-4/2, क्योंकि अगर इक्वल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, वॉल्यूम डबल होने का मतलब है कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, बिकॉज कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये 10^-2 + 10^-4/2, और यहां से अगर मैं एलसीएम वो ले लेता हूं 10^-4 को कॉमन ले लेता हूं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10^2 + 1/2, 101/2 × 10^-4, और ये मेरा आ गया 55.5 × 10^-4, ये मेरे पास एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ गई। अब इसका पीएच कैसे निकालते हैं तो आप सब को अच्छी तरह पता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 55.5 प्लस हम डायरेक्ट 4 कर लें, ये टेक्निक मैं आपको पहले वीडियो में सिखा चुका हूं, 10^-log 10^-4 का क्या हो जाएगा 4। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, अब कितने के बाद स्टूडेंट डेसिमल है 2 के बाद, तो क्या आ जाएगा -1 पॉइंट। अब 55 का 5 में, जब आप 55 का 5 में लोग देखेंगे स्टूडेंट तो उसकी वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेट आती है 0.70। और मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने कैलकुलेशन टेक्निक सिखाई है, जरूर देखिए, उससे आप बड़ी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो 1.7 + 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा 2.3। इसी तरह आप नेक्स्ट को भी सोल्व करेंगे, सेम वही टेक्निक 10^-2 + 10^-4 + 10^-6/3, और फिर जो आपकी वैल्यू आएगी उसका पीएच आप निकाल लीजिए तो बड़े आराम से। तो बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको दी है, और यहां से आपने बहुत ही अच्छी टेक्निक कि अगर मेरे पास इक्वल वॉल्यूम के डिफरेंट पीएच का सॉल्यूशन है तो कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये टेक्निक और मेथड अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, और जिन व्यूअर्स ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।